साथियों, जब हम टेक्नोलॉजिकल डिवाइड को ब्रिज करने की बात करते हैं तो भारत से अपेक्षा करना भी बहुत स्वाभाविक है। भारत का सामर्थ्य, भारत का इनोवेशन कल्चर, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का स्किल और इनोवेटिव मैन पावर, भारत का फेवरेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट, ये सारी बातें इस अपेक्षा का आधार है। इनके साथ ही भारत के पास जो दो प्रमुख शक्तियां हैं वो है ट्रस्ट और दूसरा है स्केल। बिना ट्रस्ट और बिना स्केल हम टेक्नोलॉजी को कोने कोने तक नहीं पहुंचा सकते। और मैं तो कहूंगा कि ट्रस्ट, ये टेक्नोलॉजी जो वर्तमान की है उसमें ट्रस्ट एक पूर्व शर्त है। इस दिशा में भारत के प्रयासों की चर्चा आज पूरी दुनिया कर रही है। आज भारत 100 करोड़ मोबाइल फोन के साथ मोस्ट कनेक्टेड डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है। सस्ते स्मार्टफोन और सस्ते इंटरनेट डेटा ने भारत के डिजिटल वर्ल्ड का कायाकल्प कर दिया है। आज भारत में हर महीने 800 करोड़ से अधिक यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट्स होते हैं। आज भारत में हर दिन 7 करोड़ ई ऑथेंटिफिकेशन होते हैं। भारत के कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश में 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लगी है। बीते वर्षों में भारत ने 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे अपने सिटीजन्स के बैंक खातों में भेजे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जनधन योजना के माध्यम से हमने अमेरिका की कुल आबादी से भी ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले हैं। और उसके बाद यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार के द्वारा उन्हें ऑथेंटिकेट किया और फिर 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोबाइल के द्वारा कनेक्ट किया। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम ट्रिनिटी की ये ताकत विश्व के लिए एक अध्ययन का विषय है।